मान लीजिए एक आशा की किरण, इसी रास्ते में हमें चलना है। और गाइस व्यू देखो यार, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज सुबह जब हम उठे तो मौसम का मिजाज कुछ अच्छा नहीं था, पूरे बादल छा रखे थे काले वाले, और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी तेज बारिश आने वाली है। तो हमारा प्लान था 6 बजे आने का, बट मौसम को देखते हुए हमें अपना प्लान करना पड़ा कैंसिल। तो अराउंड 7:10-15 में एक धूप की किरण निकली, जो आप लोगों के लिए सिंपल सूरज की किरण थी, पर हमारे लिए थी एक आशा की किरण। तो रेडी तो हम पहले से ही थे, तो बस हमने अपना बैग उठाया, मैंने विक्की को किया कॉल और हम निकल पड़े। तो अभी आप हैं रायपुर में, पर अभी हम जा रहे हैं मालदेवता की तरफ। जैसा कि आप सबको पता ही है, सारे वाटर स्पॉट वहीं मिलते हैं हमें। तो आज हम इस जगह पे जा रहे हैं, बहुत टाइम से वायरल चल रही है, मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी उस जगह के बारे में दिखाया जाए बिना किसी देरी के, फटाफट से चलते हैं। सो हे गाइस, You're watching a Dukotia vlog. Chalo chalte hain. गाइस, जो अपना राइट वाला रास्ता ये जाता है द्वारा वगैरह को, हमें जाना है अपने लेफ्ट वाले, मतलब ये सीधे वाले रास्ते में जो जाता है टीरी झील को। तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते में हम वाटरफॉल पे भी गए थे, इसी रास्ते में हमें चलना है। तो जो ये राइट पे जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है अपना वाटरफॉल को, जो हिडन वाटरफॉल था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। हमने इस रास्ते में नहीं जाना, हमने जाने सीधा। बाकी एक और चीज बताना चाहता हूँ, उस वाटरफॉल के ऊपर एक लेक भी था, तो बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी उस लेक का भी एक वीडियो बनाया जाए। तो नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो उस लेक का भी एक वीडियो बनाया जाएगा, वो उसी वाटरफॉल से थोड़ा आगे जाके है और काफी अच्छा लेक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो उस लेक का जरूर वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी हम चलते अपनी मंजिल की तरफ। गाइस व्यू देखो यार, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, वाह यार। गाइस वो है अपना स्पॉट जहाँ पे हमें जाना है, बाकी हमने कर दिया यहाँ पे गाड़ी पार्क, और यहाँ से है अब थोड़ा सा खतरनाक सा रास्ता जिसमें हमें जाना पड़ेगा। बाकी नीचे मस्त करके बंदर तैर रहे हैं, जैसे अब उनका मजा खराब कर देंगे हम जाके। क्या करें यार, आप लोगों के लिए भी तो वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद तैर लेंगे जब हम वीडियो बना लेंगे। तो विक्की भैया का कहना है कि साथ में तैर लेंगे, शेयरिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको होगी वो अलग बात है, पर हम उनके साथ तैरने को तैयार है। तो गाइस ये है रास्ता जो कि है काफी खतरनाक। तो फैमिली वाली जगह तो बिल्कुल नहीं है भाई, यहाँ बच्चे बुच्चे आ नहीं सकते, काफी खतरनाक रास्ता है। और मुझे लगता नहीं ये पत्थर भी ठीक होंगे कि कोई कभी भी गिर सकता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में, अपना ओवरऑल जगह। तो गाइस वी आर ऑलमोस्ट रेडी पानी में जाने के लिए। बहुत मजा आ रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारी फिशेज है यार, लाइक तो पानी में जो पैर डुबाते हैं एंड लाइक वो फिशेज तुम्हारे डेड स्किन खाती है, तो वो हमारा 3 में हो रहा है, यहाँ पे आ रही है वो खा के चली जा रही है। तो भाई ऑलमोस्ट हम नहा वगैरह गए हैं और काफी इंजॉय किया हमने इस जगह पे, काफी अच्छी जगह है, बट संभल के आना, रास्ता बहुत ही ज्यादा बेकार है। बाकी अब हम यहाँ से चलते हैं फटाफट से, इस जगह को करते हैं फटाफट बाय, एक बार दोबारा से देख लो, चलो फिर। सो गाइस फाइनली हम आ गए यहाँ से ऊपर। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे लगा यहाँ पे आके, तो एक तो गाइस ये फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं है, दूसरा रास्ता देखो बहुत ही ज्यादा खराब है। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, फटाफट जाते हैं हम घर, हमें लग रही बहुत ज्यादा भूख, क्योंकि स्विम करके लग जाती है बहुत सारी थकान, और तुम्हारा भाई परफेक्ट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन बैक वाली स्विमिंग में। बाकी चलो करते हैं वीडियो को खत्म यहीं पे, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।